गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिएशन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास फर्स्ट के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर वन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें है इंग्लिश हिंदी काउंटिंग। इसमें 40 तक मैंने आपको पहले लिखवा दिया है, पढ़ा दिया है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे 41 से आगे। तो अब मेरे साथ साथ आप भी नोट करते जाए, अपने नोटबुक और अपने बुक निकालिए और मेरे साथ साथ आप भी लिखते जाइए। तो आप लिखिए 41 डिजिट है, इसको हिंदी में कहते हैं 41। 41 और इसका इंग्लिश नेम होगा 41, FORTYONE। 41 अगला डिजिट है हमारा 42, हिंदी में इसको कहेंगे 42। क्या लिखेंगे बच्चों? 42। तो इसको इंग्लिश लिखेंगे FORTYCWO। 42। फिर नेक्स्ट डिजिट है 43, इसको हम बोलेंगे 43। अपने भाषा में क्या बोलते हैं? 43 बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे हिंदी में शुद्ध हिंदी लिखेंगे उसकी 43। 43 इस प्रकार इंग्लिश होगी इसकी 43, FORTY, FORTY 43। इस प्रकार से नेक्स्ट है 44 को हम लिखेंगे 44। 44 को क्या लिखेंगे? 44। और इंग्लिश में लिखेंगे 44, FORTY 40, FOUR 44। नेक्स्ट है 45। 45 को हिंदी में लिखेंगे 45। 45 इसको लिखेंगे FORTY 40, FIVE 45। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आप आगे लिखेंगे 46। 46 को हिंदी में लिखेंगे 46। 46 और FORTY 46। इस प्रकार से अब है 47। 47 को हम लिखेंगे 47। क्या लिखेंगे? 47। इस प्रकार से FORTY 47। अब आगे की संख्या है 48। तो शायद आपने ये नोट कर लिया होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब इसके आगे हम लिखेंगे 48 वाला डिजिट, इसको रफ कर लेते हैं। 48 को हिंदी में लिखेंगे 48। 48 और FORTY 48, EIGHT। अब आगे डिजिट है 49। 49 को हम लिखेंगे 49। क्या लिखेंगे? 49। अपनी जो भाषा है, मातृभाषा, उनमें अपन बोलते हैं 49, जबकि 49 नहीं बोल करके हमको बोलना है 49। 49 को हम लिखेंगे 49, FORTY 49। अगला डिजिट है
तो इसको 50 ही लिखेंगे और 50 FIFTY 50। इस प्रकार मैंने 50 तक आपको काउंटिंग लिखाई है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके आगे वाला डिजिट है 51। 51 को हिंदी में लिखेंगे 51। अब हम बोलते हैं 51, 51 नहीं बोल करके अब हम बोलेंगे 51। 51 को लिखेंगे 51 FIFTY 50 ONE 51। आपको 50 की स्पेलिंग लर्न करनी है ताकि 50-50 लिखते जाएंगे और 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बनाते जाएंगे। अगला डिजिट है हमारा 52। 52 को 52 नहीं लिखेंगे और 52 FIFTY 52, ठीक है ना, इस तरह से। अब है हमारा डिजिट 53। 53 को हम लिखेंगे 53। अपनी भाषा में तो हम बोलते हैं 53, 53 नहीं बोल करके हमको लिखना है 53। इस प्रकार से और उसको 53 FIFTY 50 THRW 53। अब अगला डिजिट है 54। 54 नहीं बोलना है अपने को, बोलना है 54। 54 को हम लिखेंगे 54। इस प्रकार से बोलना शुद्ध हिंदी 54 शब्द है और 54 FOUR। ये 54 तो शायद आप मेरे साथ साथ नोट करते जा रहे हैं और याद भी हो रहा होगा आपको साथ के साथ। और शुद्ध हिंदी शब्द ही लिखेंगे डिजिट के। अगला है 55 को हम लिखेंगे 55। क्या लिखेंगे? 55 और FIFTY और FIVY 55। अगला डिजिट है 56। 56 को इस प्रकार लिखा जाएगा हिंदी में 56 56 FIFTY 50 SIF 56। अगला डिजिट है हमारा 57। 57 को हम लिखेंगे 57। तो लिखो आप FIFTY 50 SEVEN 57। अगला डिजिट है हमारा 58। इसको लिखेंगे हम 58 इस प्रकार से और इसको लिखेंगे 58 FIFTY EIGHT 58। अगला डिजिट है हमारा 59। 59 को हम लिखेंगे 59। 58 59 तो 59 को 59 ही लिखेंगे। आपकी किताब में 59 दे रखा है, 59 नहीं होता, 59 है वो। और इसको लिखेंगे 59 FIFTY 59। अब है 60। इस तरह से 60 का 60 लिखेंगे और SIXTY 60
ठीक है ना। इस तरह से आगे और लिखते जाएंगे। अब आ गया 61, 61 को हम लिखेंगे 61 और इस पर लिखेंगे 66, सॉरी 61, SIXTYON, 61। अगला डिजिट है हमारा 62, 62 और 62, SIXTY, 60TWO, 62। इस तरह से 62 तक मैंने लिखाया है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। इसको रफ कर देते हैं। अब है 63, 63 को हम अपनी भाषा में कहते हैं 63, 63 को 63 नहीं बोल के हम लिखेंगे 63। क्या लिखेंगे? 63, 63, 63 को लिखेंगे 63, SIXTY, 60THRWE, 63। अब है 64, 64 को लिखेंगे 64, 64, 64, SIXTY, 60FOUR, 64। अगला है 65, 65 को हम लिखेंगे 65, दो मात्रा है थोड़ा दबाव लगा के बोलना है 65, 65, SIXTY, 60FIVE, 65, SIXTY, 66, 66 को हम लिखेंगे 66, 66, 66 और 66, SIXTY, 66। अगला है हमारा 67। अपन अपनी भाषा में बोलते हैं 67, 67 नहीं बोल करके हम लिखेंगे 67, 67, 67 और 67, SIXTY, 60SEVEN, 67। अगला है 68, 68, 68, इस तरह से लिखा जाएगा और इसको लिखेंगे 68, SIXTY और EIGHT, 68। अब है 69, अपने भाषा में हम क्या बोलते हैं 69, जबकि 69 नहीं लिख करके हम लिखेंगे 69। क्या लिखेंगे? 69, इस तरह से लिखेंगे। और 69, SIXTY, 69। नेक्स्ट है 70, 70 बोलते हैं, 70 नहीं लिखे लिखकर हम लिखेंगे 70, 70, इस तरह से, और इसको लिखेंगे ACVNTY, 17, ACVNTY, 70, 70 में 70। अब हम आगे 71 की लाइन लेंगे, इसको रफ कर देती हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और आप साथ के साथ उनको नोट करेंगे, अपने नोटबुक बनाइएगा और उसमें लिखते जाइए। को हम बोलते हैं इगोत्तर, अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? इगोत्तर बोलते हैं। तो हम
one S E V E N T Y 70 O N E 71 अब है 72 72 को हम अपनी भाषा में बोलते हैं 72 जबकि 72 नहीं बोलते उसका शुद्ध हिंदी शब्द होगा 72 तो हम लिखेंगे यहाँ पर 72 इस तरह से 72 S E V E N T Y 70 T W O 72 अब है हमारा शब्द 73 अब हम क्या बोलेंगे इसको 73 71 72 73 या अदर डालो तो ये उत्तर नहीं बोलेंगे अब 73 73 73 S E V E N T Y 70 T H R double E 73 अगला है 74 74 को हम बोलते हैं 74 74 बोलते हैं ना 74 नहीं बोलते क्योंकि हमको बोलना है 74 74 ठीक है ना इस तरह से 74 S E V E N T Y 70 F O U R 74 अब अगला डिजिट है 75 75 को हम लिखेंगे 75 75 75 को इंग्लिश में लिखेंगे 75 S E V E N T Y 70 F I V E 75 अगला शब्द है 76 हम बोलते हैं 76 76 नहीं बोल करके हमको बोलना है 76 76 76 S E V E N T Y 70 S I X 76 अब आगे है 77 77 को हम बोलते हैं स्वतंत्र कोई बोलते हैं 77 तो इस तरह से 77 शब्द नहीं बोल करके हमको बोलना है 77 क्या बोलेंगे हम 77 और लिखेंगे भी इस प्रकार से ताकि अच्छे से समझ में आ जाए S E V E N T Y 77 S E V E N 77 नेक्स्ट है हमारा 78 को हम बोलते हैं 78 क्या बोलते हैं बच्चों 78 अब 78 नहीं बोल करके हमको बोलना है 78 78 78 78 ठीक है ना इस तरह से तो 70 S E V E N T Y 78 E I G H T 78 इस प्रकार 78 तक हमने लिख लिया है मैं इनको रफ कर लेती हूँ आगे हम 79 वाली लाइन लिखेंगे और आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और आप हिंदी और इंग्लिश वर्ड की जो मीनिंग है ये आप याद कर लेना ताकि हमेशा के लिए आपको बोलने में सुविधा रहेगी लिखने में भी सुविधा रहेगी इस तरह से आपको अच्छी तरह से याद करना है 78 लिख लिया 79 को हम लिखेंगे 79 क्या लिखेंगे हम 79 अपन बोलते हैं 79 नहीं बोल के हमको लिखना है 79 ठीक है ना और इसको लिखेंगे 70 S E V E N T Y N I N E 79 अगला है 80 को हम लिखेंगे 80 और इस पे लिखेंगे हम E I G H T Y 80 अब आपको 80 वाली लाइन में आपको सारे डिजिट लिखने हैं तो 81 82 तो आपको 80 की स्पेलिंग लर्न करनी है ताकि सारे
लिख सको। अब है आगे 81 के बाद 80 के बाद 81 इक्वल इसको लिखेंगे हम 81 क्या लिखेंगे 81 भी लिख सकते हैं या 81 भी लिख सकते हैं ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे शुद्ध रूप में लिखें 81 EIGHTY 80 और ONE और 81। अब है 82 बहुत सारे बोलते हैं 82 नहीं बोलते 82 को लिखेंगे हम 82 ठीक है ना। अब है EIGHT 82 अब हम लिखेंगे 83 को हम लिखते हैं 83 क्या लिखेंगे 83 भी बोलते हैं 83 भी बोलते हैं तो हम लिखेंगे 83। बोलने का अलग ढंग है और लिखने का शुद्ध हिंदी शब्द अलग है। 83 को हम लिखेंगे 83 83 को 80 EIGHTY 83 THREE 83 अब है 84 84 को हम लिखेंगे 84 क्या लिखेंगे 84 और 84 EIGHTY 84 नेक्स्ट है 84 को हम बोलते हैं 85 नहीं बोल करके हमको लिखना है 85 इस प्रकार से 85 नहीं बोलना है 85 बोलना है 85 EIGHTY 85 आगे हम लिखेंगे 86 इसको हम रफ कर लेते हैं और यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। अब हम आगे लिखेंगे 86 को हम हिंदी में लिखेंगे 86 इस प्रकार से EIGHTY 86 आगे का डिजिट है 87 को हम बोलते हैं 87 नहीं बोल करके हमको बोलना है 87 इस प्रकार ये शुद्ध हिंदी शब्द है जो अपन हमेशा की भाषा में बोलते हैं वो गलत बोलते हैं EIGHTY 87 अगला डिजिट है 88 को हम बोलते हैं 88 नहीं बोलेंगे हम इसको बोलेंगे हम 88 तो लिखो इसको 88 EIGHTY 88 इस प्रकार से। अब है अगला डिजिट हमारा 89 को हम लिखेंगे 89 क्या लिखेंगे बच्चों 89 नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे 89 को हम लिखेंगे EIGHTY 89 90 बोलते हैं बहुत सारे बच्चे तो हमको 90 बोलना है इस तरह से और NINETY 90 इस प्रकार ये 90 तक मैंने लिखा ही है आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा।